आज हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित इंटक रजिस्ट्रेशन नंबर की मीटिंग इंटक कार्यालय डिपो प्रधान बलविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में राज्य वरिष्ठ उप प्रधान रमन सैनी व उप महासचिव अनिल कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। मीटिंग में डिपो कमेटी द्वारा महाप्रबंधक महोदय को दिए गए नोटिस पर चर्चा हुई और सभी की एक राय बनी कि अगर महाप्रबंधक महोदय समय रहते सभी मांगों का निपटारा नहीं करते तो सभी कर्मचारियों से 12 अक्टूबर को बढ़ चढ़कर धरने में भाग लेने का आह्वान किया जाएगा, क्योंकि मांग पत्र में दी गई सभी मांगे जायज हैं जो बहुत लंबे समय से लंबित हैं। कर्मचारियों की मांगों को लेकर इंटक यूनियन द्वारा महाप्रबंधक के खिलाफ 2 घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर रमन सैनी ने कहा कि आए दिन सरकार के द्वारा लाई गई किलोमीटर की बसें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, जिससे जान माल की हानि के साथ विभाग की बदनामी भी हो रही है। महानिदेशक के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें सभी किलोमीटर के तहत कार्य करने वाले ड्राइवर्स का मेडिकल करवाने का आदेश सभी महाप्रबंधक को दिए गए, परंतु यूनियन मांग करती है कि इन बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल किया जाए ताकि इन बसों को रोडवेज के प्रशिक्षित ड्राइवर चला सकें, क्योंकि रोडवेज कई बारी एशिया में सबसे कम एक्सीडेंट करने और बढ़िया सेवा देने का पुरस्कार जीत चुकी है। इस छवि को ध्यान में रखते हुए सरकार निजीकरण का विचार छोड़कर रोडवेज बेड़े को बढ़ाने पर ध्यान दे ताकि यात्रियों को बेहतर व सुरक्षित सुविधा मिल सके। बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे परिचालक का पे ग्रेड बढ़ाना, 2016 में लगे चालकों को पक्का करना, वर्कशॉप की नियमित भर्ती करना, बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल करना, 6 साल का बकाया बोनस देना, ई टिकट मशीनें आने तक सभी डिपो में टिकट की कमी को पूरा करना, जोखिम भत्ता लागू करना, बहुत सी मांगे हैं जिन्हें सरकार साझा मोर्चा की मीटिंग बुलाकर हल करे। यूनियन साझा मोर्चा के साथ मिलकर हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। डिपो में था, उसमें जीएम को डिपो कमेटी ने ज्ञापन सौंपा है, उसमें 15 दिन तक छुट्टियों का मामला है, जो छुट्टियां पूरे हरियाणा में उसकी जो सैलरी थी वो दे दी गई है अम्बाला को छोड़कर, और किलोमीटर की बसों का हमारा मेन मुद्दा है जो पूरे स्टेट लेवल पर है। किलोमीटर की बसें आए दिन एक्सीडेंट हो रही हैं पूरे हरियाणा में, और सरकार द्वारा एक कल लेटर जारी हुआ है महानिदेशक द्वारा कि जो किलोमीटर स्कीम के ऊपर बसें के ऊपर ड्राइवर चल रहे हैं उनका मेडिकल कराया जाए, लेकिन हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि मेडिकल कराने से बात नहीं बनेगी। हमारी पहले की तरह अब भी मांग है और हम पहले भी यही बात कहते आए हैं कि जो 1 किलोमीटर की बसें हैं इनको हरियाणा रोडवेज में शामिल किया जाए ताकि जो हमारे प्रशिक्षित ड्राइवर हैं वो इसको अच्छी तरह संचालन कर सकें और पहले की तरह ही रोडवेज इस बदनामी से बचे और रोडवेज पहले की तरह सुरक्षा जो सुरक्षित हमारी सेवा थी वो देश के। और हमारा दूसरा मुद्दा है जो 2016 के हमारे ड्राइवर हमारे साथी हैं उनको लगभग 6 साल हो चुके हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि पॉलिसी बनाकर इनको ज्वाइनिंग डेट से पहले की तरह पक्का किया जाए। और परिचालक के पे ग्रेड का मामला है, परिचालक का पे ग्रेड जब शुरू में सभी कैटेगरियां बनी उस टाइम चाहे वो पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, क्लर्क का हो, सभी पे ग्रेड एक में थे, लेकिन परिचालक के पे ग्रेड को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि पटवारी या जो भी अन्य कैटेगरी है MPHW उनके बराबर हमारा पे ग्रेड लेके आया जाए, और 6 साल का बोनस बकाया पड़ा है। अभी 2 दिन पहले ही रेलवे ने ऐलान किया है कि 78 दिन का बोनस जो समय टू समय रेलवे दे रहा है, हमारी भी यही मांग है कि हमारा जो 6 साल का बोनस बकाया पड़ा है वो दिया जाए। बहुत सी मांगे हैं जिसमें हम पहले भी आंदोलन करते आए हैं और साझा मोर्चा आने वाले समय में भी आंदोलन करेगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि समय रहते साझा मोर्चा की मीटिंग बुलाकर इन सभी मांगों का समाधान करें, नहीं तो आने वाले समय में साझा मोर्चा एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी।